हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर पे। मैं हूं आपका फ्यूचर हेल्पर और आप देख रहे हैं दी एग्ज़ाम हेल्पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RRVPO शिफ्ट फर्स्ट 7 अगस्त का जो आपका एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में फुल डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके जो सेफ अटैम्प्ट हैं वो क्या होने वाले हैं। इसके ऊपर पूरा हमने एनालिसिस किया है, इसलिए मैं थोड़ा इसको लेट डाल रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है, आपको मेंस की तैयारी के लिए आगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, या फिर आपको और भी जो आपके एग्ज़ाम आने हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, तो मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जो नीचे दिख रहा होगा आपको ये सब चीज़, तो बिल्कुल ये ईजी था, बिल्कुल पेपर हम पूरा देख लेते हैं किस तरीके से ईजी था। तो चलिए हम पहले चलते हैं मैथ्स पर, मैथ्स में आखिर क्या क्या आया था इस बार वो देख लेते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप जाके चैनल को लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो चलिए मैथ्स पे चलते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 7th ऑफ अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, तो 5 नंबर का आपका जो अप्रोक्सीमेशन आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था वो आया था। इसके बाद 6 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी जिसके जो लॉजिक थे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थे, मतलब कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, मतलब ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, आसानी से लॉजिक मिल जा रहा था। इसके बाद 6 क्वाड्रेटिक आए थे जिसके फैक्टर काफ़ी छोटे थे, बहुत सारे छोटे थे। ठीक है, इसके बाद पाई चार्ट आया था, इसे हम थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, एक आया था टेबल डीआई जो भी मॉडरेट था, जो कि मेल फीमेल पर वो बेस्ड था करके टिकट वगैरह को, है ना, इस तरीके से। और 12 आपके जो अर्थमेटिक आए थे, ठीक है, अर्थमेटिक तो ईजी टू मॉडरेट थे, मतलब 2-4 क्वेश्चन छोड़ दें तो बाकी ईजी था, ठीक है, अर्थमेटिक। ठीक है, तो अगर हम मैथ्स की बात कर लें कि सेफ अटैम्प्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं मैथ्स में, तो मान के चलिए आप 25+ अगर आप करके आए हैं तो आपके बहुत ही ज़्यादा गुड अटैम्प्ट्स माने जाएंगे मैथ्स के अंदर। अगर इससे कम है तो वो थोड़ा सोचने लायक है, ठीक है ना, 25+ है या 25 है तो मतलब आप एक सेफ जोन में मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में क्या क्या आया, देखिए 3 स्लॉक्स आए थे जो कि ईजी थे, 4 इनक्वालिटी आई थी जो कि ईजी थी, 5 चाइनीज कोडिंग आई थी, शायद 11 लेटर इसके फाइंड कराए गए थे जो कि मतलब ईजी थे, ईजिली मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं दिए थे, ठीक है ना। इसके बाद 3 बिल्डर रिलेशन आए थे, ठीक है, 3। इसके बाद जो है आपके डायरेक्शन आए थे जो कि ईजी थे, 2 से 3 मिसलेनियस आए थे जो कि पेयर वगैरह बनाने होते हैं, ठीक है, और नंबर काउंट करने होते हैं कि मतलब कौन से, मतलब इसके उधर से, ठीक है ना, तो 2-3 मिसलेनियस थे। इसके बाद जो सबसे मेन रोल था वो था 20 नंबर का पजल का, ठीक है, जिसमें कि आपकी 10 बॉक्स आई थी, तो यार बॉक्स आया था कोई वेरिएबल नहीं तो इजी हो जाता है, ऑब्वियस बात है, अगर आप 3 मिनट में ही बना सकते हैं तो इजीली बना सकते थे आप इसको, ठीक है। 9 फ्लोर आए थे विदाउट वेरिएबल, ये भी इजी हो गया। पैरेलल रो आई थी 14 मेंबर की, ये थोड़ा था मतलब मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि 14 मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं, फिर भी मतलब इजीली बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 मिनट ले लेंगे आप तो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2×4 मंथ+ वेरिएबल, तो ये थोड़ा मतलब इसको बोल सकते हैं थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टू टफ था, इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके अगर हम जो आपका जो रीजनिंग सेक्शन है, अगर इसमें सेफ अटैम्प्ट की बात करें तो आप मान के चलिए कि अगर आप 28+ या फिर 30+ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर इस पजल को छोड़ दें तो, ठीक है, इस पजल को छोड़ दें तो बाकी आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत इजी दिया हुआ है इन्होंने, तो मतलब आप 30+ ही मान के चलिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अभी आपको आगे एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पेपर कितना ईजी था, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर जो एनालिसिस हमने किया इतना बड़ा तो वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कट ऑफ एनालिसिस, ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, जूम कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कोई स्टूडेंट्स हैं उनके, देखिए सिर्फ टोटल 62 अटैम्प्ट किए, ठीक है ना, टोटल 62, ठीक है। रीजनिंग में देखिए इन्होंने 38, मतलब मैं तो 30+ ही बोल रहा हूँ, ये 38+ लिया है, 35+, ठीक है। मैथ्स में देखिए जो मैंने बताया था 25+ है तो गुड है, क्योंकि मैथ्स में बच्चों ने थोड़ा कम अटैम्प्ट किया, मैथ क्या है थोड़ा लेंथी पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो ये देखिए टोटल 65, ठीक है, ये 35 रीजनिंग, तो रीजनिंग काफ़ी यार बहुत सिंपल था, ठीक है। मैथ में देखिए 30 बिल्कुल सही करके आए ये, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए 61, ठीक है, मैथ में देखिए फिर से 24 और 37, ठीक है ना, रीजनिंग काफ़ी इजी था इसका मतलब, ठीक है। और देखिए 61 फिर से, 36 रीजनिंग, 25 मैथ, तो मैथ्स का जो मैंने बताया 25+ ही होने वाला है आपका, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और बाकी रीजनिंग में अगर 30+ है तो आप सेफ जोन में बिल्कुल, ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं आपको, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए 33 क्वांट में किए इन्होंने, मतलब इनका मतलब क्वांट तो अलग लेवल पर चल रहा होगा इनका, ठीक है, टोटल 51 इनके, ठीक है, थोड़ा कम रहेगा इनके, ठीक है। इससे कि मैथ के 21, रीजनिंग 30, अच्छा खासा स्कोर है 57, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं 69 करके, ठीक है ना, देखिए रीजनिंग में देखिए इनके 38 है भाई साहब, मतलब 29 मैथ्स, बहुत ही अच्छा मतलब करके आए ये, ठीक है। इसके बाद देखिए 67, 32 मैथ्स और 35 रीजनिंग, देखिए मतलब कितना शानदार है। इसके बाद देखिए इसने रीजनिंग में 40 कर दिया, मतलब पूरे ही उड़ा दिए भाई साहब। मैथ्स में देखिए वही स्कोर रहने वाला, मतलब एवरेज देखें मैथ्स में तो वही 25+ है, ये देखिए इसका 52 है मैथ्स में 27 और रीजनिंग में 25, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद हम और देख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए एक ये है मैथ्स में, रीजनिंग में 35, टोटल 54 है, मैथ्स में 19 है। एक और देख लेते हैं हम, इनके थोड़े कम रह गए हैं, 44 अटैम्प्ट कर पाए हैं इन्होंने, ठीक है। नीचे हम देख लेते हैं कि 65 टू 70 इजीली डूएबल थे, मतलब कि
ये बहुत ही ज़्यादा करके हैं। तो अगर हम एक मोटा मोटा एनालिसिस करें कि आपको मतलब कितना सेफ अटैम्प्ट जो है आपका हो सकता है, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूँ अगर आपके 55 प्लस आ रहे हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, 100% सेफ मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी रोल करेगा, ठीक है ना। 55 प्लस आपके अगर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। और मतलब 52 प्लस भी हैं तब भी वो आप 90% चांस हैं आपके, बाकी अगर 55 पे तो मतलब बिल्कुल श्योर हो जाएगी आप। मतलब यहाँ पर अगर देखें 98% मैं बोल सकता हूँ चांस है, क्योंकि पेपर यार बहुत ही ज़्यादा ईजी आया था, फिर भी अब यू है तो 55 प्लस तो मतलब है नॉर्मल। और मैं ये बोल रहा हूँ किसी किसी स्टेट में ज़्यादा भी जा सकता है इसको, किसी स्टेट में कम भी जा सकता है, ठीक है। तो यही यार वीडियो था, आगे आने वाली जो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी हम आपको देने वाले हैं, तो उसके लिए आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जाके, ठीक है ना। और ऐसे ही तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। और मैं आगे आपको पीओ की स्ट्रेटजी अगर आपका निकलता है तो मेंस की स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो कलर है आपका कल है और जो आने वाली 14 शिफ्ट को है तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।